आतंकी पिछले कुछ समय से फिर सिर उठा रहे थे। इन्हें पूरी तरह से कुचलने के लिए अफगान सेना ने एक ऐसा ऑपरेशन शुरू किया है जिससे तालिबान का तो सफाया हो ही रहा है, पाकिस्तान और तालिबान आतंकियों के रिश्तों का भी पर्दाफाश हो रहा है। अफगान सेना के ऑपरेशन में चुन चुन कर तालिबान आतंकियों को ढेर किया जा रहा है और ये तालिबान आतंकी कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के वो लोग हैं जिन्हें इमरान सरकार और ISI ने अफगानिस्तान में खून खराबे के लिए भेजा है। अफगान सेना के ऑपरेशन में 150 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी मारे जा चुके हैं जिसे पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो रहा है और इमरान खान आंसू बहा रहे हैं। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की बड़ी लड़ाई, हेलमंद और कंधार में अफगान सेना का बड़ा ऑपरेशन, 70 से ज्यादा तालिबान कमांडरों को मार गिराने का दावा। अफगान सुरक्षा बल ने 28 प्रांतों में ऑपरेशन तेज की। तबाही की कगार पर पहुंचा खतरनाक तालिबान। अफगानिस्तान के आसमान पर जंग के बादलों की आवाजाही महसूस हो रही है क्योंकि जमीन पर गोलियों की बौछार देखी जा रही है, क्योंकि अफगानिस्तान के 28 प्रांत इन दिनों लगातार गोली की आवाजों से दहल रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं और ये हालात किसी भी सूरत में जंग का गुमान देते हैं। एक तरफ तालिबानी आतंकी हैं जो छुप छुप कर लगातार बम और गोले बरसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अफगान सेना है जो खुलकर इन दिनों तालिबान की गहरी जम चुकी जड़ों को काटने निकली है। दरअसल ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान के इंटीरियर अफेयर्स मंत्रालय ने रविवार को एक लिस्ट जारी करके जो ऐलान किया उससे पूरे देश में एक अजीब अफरा तफरी देखी जा रही है। इंटीरियर अफेयर्स मंत्रालय का जो दावा है उसने अफगानिस्तान के भीतर तो खुशी पैदा की है लेकिन दहशत की लकीरों को भी पेशानी पर उभरते देखा जा रहा है, क्योंकि मंत्रालय का दावा है कि अफगानिस्तान के हेलमंद और कंधार प्रांत में एक महीने पहले शुरू किए गए सैनिक अभियान के तहत करीब 70 तालिबानी कमांडर मारे गए। अफगानिस्तान की सरकार ने अफगानिस्तान आर्मी के द्वारा हेलमंद और कंधार जो कि तालिबान की गढ़ माने जाते हैं वहां पर पिछले महीने से ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। ये ऑपरेशन किस हद तक कामयाब होगा इससे ये साबित होगा कि सरकार देश को तालिबान से बचा सकेगी या नहीं। पिछले करीब एक महीने से तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की सेना ने मोर्चा खोल रखा है और उन तमाम इलाकों में मोर्चाबंदी की है जहां तालिबान की जड़ें सबसे ज्यादा मजबूत देखी जा रही हैं। हेलमंद और कंधार में अफगानिस्तानी आर्मी और तालिबान के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है और अपने इस ऑपरेशन में अफगानिस्तानी सेना ने चुन चुन कर तालिबान के खूंखार कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया जो वक्त बेवक्त सामने आकर दहशतगर्दी के जरिए अफगानिस्तान के आम लोगों के साथ खूनी होली खेलते रहे हैं। बताया तो यहां तक जा रहा है कि बीते कुछ अरसे के दौरान ही अफगानिस्तान की आर्मी ने 70 से ज्यादा कमांडरों को मौत के घाट उतारा है। अफगानिस्तान के इंटीरियर अफेयर्स मंत्रालय ने रविवार को दो लिस्ट जारी की जिसके मुताबिक हेलमंद और कंधार में एक महीने पहले शुरू किए गए ऑपरेशन में करीब 70 तालिबानी कमांडर मारे जा चुके हैं। तालिबान के हमलों के जवाब में अफगानी सुरक्षा बलों ने यह ऑपरेशन जारी किया था। मंत्रालय के मुताबिक तालिबान के 20 कमांडर हेलमंद के अलग अलग हिस्सों में मारे गए। जो 45 से 100 आतंकी की टोली की सरदारी संभाल रहे थे जबकि कंधार में करीब 40 तालिबानी कमांडर मारे गए हैं। खबर मिली है कि हेलमंद में मारे गए 10 कमांडर उरुजगा, कंधार और गजनी से आए थे। अफगान सरकार का मानना है कि सदर्न प्रोविंसेस जो कि तालिबान की गढ़ हैं हेलमंद और कंधार,
वहां पर तकरीबन तालिबान का सफाया कर दिया गया है, लेकिन इतना काफी नहीं है। सरकार को बाकी जिले भी, बाकी अफगानिस्तान के हिस्से भी यहां पर तालिबान सक्रिय है, उनको नष्ट करना होगा। तालिबान को हराकर ही अफगानिस्तान की सरकार यकीन कर सकती है कि वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर हुकूमत कर सके। यानी अगर अफगानिस्तान के मंत्रालय की जारी लिस्ट पर यकीन किया जाए तो जमीनी हकीकत वाकई बेहद संगीन है। जबरदस्त लड़ाई के बीच तालिबानी आतंकी किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। आर्मी और आतंकियों के बीच बड़ी मुठभेड़, आतंकियों के हमले में आम नागरिकों की मौत, 25 दिन में 134 अफगानी नागरिक मारे गए। आलम यह है कि आर्मी और आतंकियों के बीच मुठभेड़ का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। हालात इस वक्त सबसे बुरे दौर में हैं। तालिबानी आतंकी लगातार अफगान आर्मी और पुलिस चौकियों पर घात लगाकर हमला कर रहे हैं। एक खबर के मुताबिक शुक्रवार और शनिवार को तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तान के 34 में से 28 प्रांतों में अलग अलग इलाकों पर घात लगाकर हमले किए। शनिवार को हेलमंद प्रांत में 19 आतंकी मारे गए कि 30 तालिबानी कमांडर हेलमंद में ही बुरी तरह से घायल हुए हैं। अफगान आर्मी के सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक तालिबान के खिलाफ चलाए जा रहे इस ऑपरेशन की कमान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद यासिन जिया कर रहे हैं। बताया ही जा रहा है कि तालिबानी आतंकियों के हमले में आम नागरिकों की भी मौत हो रही है। तालिबान के हमलों में पिछले 25 दिन में कम से कम 134 लोग मारे गए हैं और 289 घायल हुए हैं। हालांकि तालिबान ने मंत्रालय के दावों से इनकार किया है। अफगान सेना के सूत्रों से पता चला है कि पिछले ही महीने तालिबान ने हेलमंद प्रांत के एक इलाके में घातक हमला किया था। सूत्रों से छन कर आई खबरों पर यकीन किया जाए तो पिछले 50 दिनों में तालिबान के हमलों में 261 अफगान नागरिकों के मारे जाने की खबर है, जबकि इन्हीं हमलों में बुरी तरह जख्मी होने वालों की गिनती 602 का आंकड़ा पार कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आर्मी के इस ऑपरेशन में 2000 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। बीते एक साल के दौरान अफगानिस्तान में तालिबान के हमलों में 7500 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं। इसमें 253 महिलाएं और 452 बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान का हाथ अफगानिस्तान में रहेगा ही, पाकिस्तान अफगानिस्तान में आतंक फैलाकर ही रहेगा, क्योंकि यह पाकिस्तान को सूट करता है। पाकिस्तान चाहता है कि वहां पर आतंक फैला रहे। पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन शांति हो, अफगानिस्तान तरक्की करे और अफगानिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी जड़ पकड़े। इसलिए पाकिस्तान आतंक के साथ वहां पर खुराफात करता ही रहेगा। इधर अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुलह परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कहा है अमन चैन कायम होगा। अफसोस कि ऐसा नहीं हो सका। अफगानिस्तान in its people became more hopeful. A lot of changes has taken place. So far, the people are aware of their rights, and they are living under different circumstances and conditions. At the same time, one thing which has not changed, that has been, unfortunately, the continuation of the war. This, I would say that this will be the first step towards it. This is not the end of it. But hopefully, once we start negotiations, both sides they see the need for the continuation of negotiations. तेरा को जाबुल और तेरा को उरुजगान प्रांत पहुंचाया गया है। अफगानिस्तान ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें कि बताया है कि
तकरीबन 150 से ज़्यादा ऐसे आतंकियों के खिलाफ पिछले कुछ दिनों के अंदर में ऑपरेशन हुआ है जिसका वास्ता पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, यानी कि पाकिस्तानी आतंकी अफगानिस्तान के अंदर मारे गए हैं। इसके साथ ही इस मामले पर यह भी बताया गया है कि तकरीबन 6000 से ज़्यादा पाकिस्तानी आतंकी अफगानिस्तान के अंदर बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए बकायदा पिछले कुछ समय से लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस मामले पर पाकिस्तान का जो एक चाल चरित्र चेहरा साफ तौर पर अब सामने आ रहा है। इस मामले में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले ही फ्रांस ने भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बकायदा कई सैकड़ों लोगों को बकायदा उसका वीज़ा रद्द कर दिया गया था, इसके साथ ही कई लोगों को वापस पाकिस्तान भेज दिया, तो इतना स्पष्ट है कि पाकिस्तान का जो एक दोहरा चरित्र है वो खुलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आ रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा बुरी हालत पाकिस्तान के इमरान खान की होने वाली है, क्योंकि हरदम तालिबान की तरफदारी करने वाले इमरान खान के पाकिस्तान का अब एक बार फिर अफगानिस्तान ने पर्दाफाश कर दिया है। साफ है कि पाकिस्तान के इमरान खान और उनके सिपह सालार जनरल बाजवा अब पूरी तरह से पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं, क्योंकि अब ये बात छुपी हुई नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत और वहाँ की सेना हमेशा ही अफगानिस्तान में तालिबान की हिमायती रही है और उन्हें हर तरह से सहूलतें पहुँचाती रही है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में साफ किया गया है कि पाकिस्तान के करीब 6500 से ज़्यादा आतंकी अफगानिस्तान में सक्रिय हैं और अफगान सेना के ऑपरेशन से ये साबित भी हो गया है। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन, तालिबान के सफाई में पाकिस्तानी थे, 159 पाकिस्तानी लड़ाके मारे गए। अफगानिस्तान के भीतर तालिबान के खिलाफ आर्मी का ऑपरेशन पूरे जोर शोर से चलाया जा रहा है। बीते एक महीने से तालिबान के आतंकियों का सफाया करने निकली अफगान सेना ने अब तक 70 से ज्यादा तालिबान के कमांडरों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात उस वक्त सामने आई जब मारे गए आतंकियों की पहचान के सिलसिले में पाकिस्तान के लड़ाके सामने आए। अफगानिस्तान के अंदर जितने भी आतंकवादी घटनाएं घटी हैं, ये ISI द्वारा रची गई थी, उन्हीं के द्वारा कराई गई थी। काबुल के अंदर आए दिन बम धमाके होते हैं, आत्मघाती हमले होते हैं, इन सब के पीछे पाकिस्तानी ISI का हाथ है। और अभी पाकिस्तानियों ने दाएश का भी दस्ता तैयार किया है। आगे चल के तालिबान की बेरुखी अगर हो जाती है किसी कारणवश पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो वो ISIS या दाएश अफगानिस्तान का इस्तेमाल उनके खिलाफ भी कर सकते हैं। इस सच ने एक बार फिर दुनिया की निगाह इमरान खान के पाकिस्तान की तरफ उठा दी है, जहां इमरान खान और जनरल बाजवा पर्दे के पीछे से तालिबान से हाथ मिलाते आए हैं। अफगानिस्तान के सच से पर्दा हटने के बाद अब माना जा रहा है कि पाकिस्तान में आतंक के अजगर ने फिर अपनी कुंडली फैला ली है और चौतरफा मार खाने के बाद तालिबान के आकाओं के सामने एक बार फिर पाकिस्तान के इमरान सरकार ने झुकना गवारा कर लिया। ये बात किसी से नहीं छुपी है कि पाकिस्तान के आस्तीन में पलने वाले हक्कानी और तालिबानी नेटवर्क को पाकिस्तान के सियासत और पाकिस्तान की आर्मी खुले दिल से इनका साथ देती रही है। खुद इमरान खान इस मामले में खुले तौर पर ना सही, लेकिन दबी आवाज में ये मान चुके हैं कि तालिबान के साथ सेना का मिशन नहीं चलाया जाना चाहिए। Most people do not understand the whole Taliban syndrome. The phenomena of Taliban has to be understood that there were no militant Taliban in Pakistan when 9/11 took place. There were no militant Taliban in Pakistan right up till 2004. The militancy started in Pakistan when Pakistan army went into our tribal areas. ये बात किसी से नहीं छुपी है कि जुलाई में संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें साफ साफ कहा गया था कि पाकिस्तान के करीब 6000 से लेकर 6500 आतंकवादी पड़ोसी अफगानिस्तान में सक्रिय हैं और जिन आतंकियों की पहचान हो सकी थी उनमें से ज्यादातर का संबंध तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने भी अफगानिस्तान पर जारी अपनी रिपोर्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र को
आतंकी संगठनों के लिए सबसे महफूज ठिकाना बताया था। भारत तो पहले ही कहता है कि जहां पर भी आतंक है वहां पर पाकिस्तान का हाथ है, और अब यह साबित भी हो गया है किस प्रकार हेलमंद कंधार में पाकिस्तानी आतंकवादी तालिबान के साथ लड़ते हुए मारे गए हैं। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट तो ये कहती है कि 6,500 दहशतगर्द जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं वो अफगानिस्तान में सक्रिय हैं। पाकिस्तान की पूरी सरकार तालिबान के जिन नेताओं के लिए बिछ गई है वो आतंक की दुनिया के ऐसे चेहरे हैं जिनकी खूनी साजिश ने सैकड़ों बार दुनिया को दहलाया है। इमरान के मेहमान बने इन्हीं चेहरों ने आतंक के बसात से अफगानिस्तान को तबाह किया है। एक बार नहीं कई कई बार। दुनिया भर में आतंकी साजिशों का ब्लूप्रिंट बनाने वाला मुल्ला बरादर आज इमरान खान का शाही मेहमान भी था और इमरान की सबसे बड़ी उम्मीद थी, जिसके सहारे इमरान ने अपनी डूबती किश्ती पार लगाने का ख्वाब देखा था। लेकिन पाकिस्तान के इमरान खान और तालिबान के कनेक्शन का अब राज पूरी दुनिया के सामने फाश हो चुका है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का भी कहना है कि अफगानिस्तान के दक्षिणी इलाके में तालिबान की बढ़ती हरकतें पाकिस्तानी सेना की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों की मदद से मुमकिन हो सकी है। अखबार कहता है कि तालिबान को दिए जाने वाले समर्थन में आर्थिक सहायता, हथियारों की आपूर्ति और रणनीतिक सलाह शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि तालिबान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के बीच संबंधों की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और विश्वसनीय सूचनाओं के माध्यम से मिली है। अफगान सरकार का मानना है कि सदर्न प्रोविंसेस जो कि तालिबान की गढ़ हैं हेलमंद और कंधार, वहां पर तकरीबन तालिबान का सफाया कर दिया गया है, लेकिन इतना काफी नहीं है। सरकार को बाकी जिले भी, बाकी अफगानिस्तान के हिस्से भी यहां पर तालिबान सक्रिय है, उनको नष्ट करना होगा। अफगानिस्तान में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकी शायद इमरान खान भूल गए हैं कि तालिबान की पैदाइश ही पाकिस्तान में हुई है, जिस तालिबान ने 1998 में तकरीबन 90% अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया था। उत्तरी पाकिस्तान में पैदा हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सबसे खतरनाक आतंकी गुट माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या भी इसी तालिबानी संगठन ने की थी। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की दलील है कि तालिबान अब 2001 वाला बेरहम तालिबान नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि तालिबानी आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के तकरीबन 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन कर चुके तालिबान से छिड़ी जंग में अभी तक नाटो के 3,500 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें 2600 अमेरिकी सैनिक हैं। 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि वहां 32,000 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि अमेरिका तालिबान के खिलाफ छिड़ी इस जंग में अरबों खरबों डॉलर खर्च कर चुका है। मौजूदा हालात से ये बात साफ हो जाती है कि अफगानिस्तान में अभी हालात बेकाबू ही रहेंगे। अब जरा इन दो तस्वीरों को देख, एक तस्वीर 2010 की है। इस तस्वीर में मुल्ला बरादर के हाथ में जंजीर बंधी है और 2019 में इमरान सरकार हाथ खोलकर मुल्ला बरादर का स्वागत कर रही है। आतंक के गुनाह में जिस शख्स को 8 साल तक पाकिस्तान की जेल में रखा गया, आज उसी मुल्क की सरकार उनके साथ बैठक कर रही है और विदेश मंत्री दुनिया को बैठक की जानकारी बांट रहे हैं। 51 साल का मुल्ला बरादर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में उप रक्षा मंत्री रह चुका है और आज इमरान सरकार उसे अमेरिका को खुश करने का सबसे बड़ा मोहरा मान रही है।
तालिबान को मेहमान बनाकर इमरान एक तीर से कई शिकार करना चाहते हैं। कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया में अकेले पड़ चुके इमरान अब तालिबान के जरिए दुनिया को दबी जुबान में धमकी देने की भी कोशिश कर रहे हैं। इमरान ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत तालिबान आतंकियों का हमदर्द बनकर ही की थी। तालिबान के कंधे पर चढ़कर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया में बुरी तरह मुक्की खाने के बाद वो एक बार फिर तालिबान के कंधे पर सवार हुए हैं।